दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि दुनिया की सबसे पहली मस्जिद कौन सी है और उसे किसने बनवाया है और ये मस्जिद किस कंट्री में है और इस मस्जिद में कितने लोग एक वक्त में नमाज अदा कर सकते हैं। तो आइए आज हम आपको बताते हैं उस मस्जिद के बारे में। दास्तान-ए-कुवा मस्जिद दुनिया की सबसे पहली इस्लामिक मस्जिद जिसके ऊपर में 6 गुंबदें हैं और 4 मीनारे बनी हुई है। इस मस्जिद को हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला वाली वसल्लम ने अपने हाथों से बनाया है। इस मस्जिद में सबसे पहले पत्थर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला वाली वसल्लम ने लगाया है। मक्का से कुछ दूरी पर एक गाँव है जिसका नाम कुवा गाँव है, उसी गाँव में इस मस्जिद को बनाया गया है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला वाली वसल्लम जब अपने सहाबियों के साथ यहाँ पे आए तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक मस्जिद का तामीर हो किया जाए और उसी वक्त उन्होंने इस मस्जिद के लिए एक पत्थर लगा दिया। लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला वाली वसल्लम को गैब का हाल मालूम था, वो जानते थे कि यह मस्जिद बिना हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के मुकम्मल नहीं हो सकता है। उस वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हों मक्का मदीना में हुजूर पाक के द्वारा दिया हुआ काम पूरा कर रहे थे और उसी के इंतज़ार में हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला वाली वसल्लम इस कुबा मस्जिद में 14 दिनों तक कुरान की तिलावत करते रहे और 14 दिनों तक उसी जगह पर नमाज अदा करते रहे। ये मस्जिद 7वीं शताब्दी में बनाया गया है। इस मस्जिद के अंदर 20,000 लोग एक वक्त में नमाज अदा कर सकते हैं। और फिर वक्त गुजरता गया और 14 दिन पूरा हो गया और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मक्का से मदीना यहाँ आ गए और यहाँ पे आने के बाद इस मस्जिद का काम शुरू हुआ और इस मस्जिद में पहली जुमा की नमाज अदा हुई। दोस्तों, मैंने छोटे से वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कुवा मस्जिद के बारे में डिटेल बताने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।